अमेजिंग क्लाउड्स के ऊपर आ गए हैं एकदम हाइट पे। ये देखो भाई, ये एंट्री पॉइंट है भाई। लोग सीन ऐसा है कि बस छूट गई है अब। तो चारकोल पास्ता था, सही का है। आज हो गई है 19 तारीख और आज मेरा वापसी का भी टिकट है, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे हम एक कैफे में आए हैं जिसका नाम है कनेर बिस्ट्रो लॉन्च। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या मेन्यू है और क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल और कैसा है, कैसा वाइब है। पूछेंगे बहुत सारा खाना। तो भाई लोग, ये है मेन्यू यहाँ की। ये क्या दादा? चारकोल पास्ता। ये मेरे दिल की तरह काला। क्या बोला तूने? चारकोल की तरह एकदम काले दिल आवाज दी सुखी सोखी ने। लो भाई आ गया तुम्हारा पीना को लाटा, स्पाइसी गवावा। नाइस करीना, हाउ इज द वाइब? इट्स रियली नाइस। यू कैन सी चलिए एक बार सैंडविच भी ट्राई करते हैं। हाउस द फूड? बेहतरीन। कैसे लगा चारकोल पास्ता या फिर चारकोल पास्ता? क्रीना हाउस द फूड? एक नंबर। क्या अच्छा लगा तुमको? चारकोल पास्ता एंड सैंडविच। कैफे से पेट पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं सज्जनगढ़ और अमेजिंग मस्ती करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ना मानसून का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है। तो अभी यहाँ पे एकदम मौसम चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मानसून पहले से सज्जनगढ़ में। वहाँ से ऑटो आप करोगे तो लगभग 100-150 रुपये 200 रुपये करीब लेगा। तो भाई लोग, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक अपनी गाड़ी से चले जाओ या टैक्सी से चले जाओ। तो अभी हमने टैक्सी बुक करी हुई है, ये देख लो टिकट यहाँ का भाई। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सज्जनगढ़ पैलेस। देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, फटाफट एक्सप्लोर कर लेते हैं अगर अंदर जाने का मौका मिला, क्योंकि बंद भी होने वाला है। बट वेदर अमेजिंग हो गया एकदम मस्त, एकदम और सब व्यू दिखाऊंगा अगर ऊपर एंट्री मिल गया तो। एक नंबर। एक तो इस तरह से शेयर टैक्सी होती है जो नीचे से आपको ऊपर लेके आती है और यही टैक्सी फिर ऊपर से नीचे लेके जाएगी। तो फटाफट घूम लेते हैं। जाम जाते हम हर बार बारिश हो जाते हैं और यहाँ भी ले आए हैं। सो गाइस यहाँ से देखो एंट्री पॉइंट से पूरा उदयपुर दिख रहा है मस्त। अमेजिंग क्लाउड्स के ऊपर आ गए हैं एकदम हाइट पे। देखो ये एंट्री पॉइंट है, जबरदस्त एकदम। तो भाई लोग, ये है पैलेस यहाँ का, थोड़ा सा म्यूजियम टाइप का है। तो भाई लोग, ये छोटा सा पहले से यहाँ पे म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ है। अब पीछे की साइड चलते हैं, पता नहीं ढोल वोल बज रहा है, थोड़ा वहाँ भी इंजॉय कर लेते हैं।
फिर आपको यहाँ से 360 व्यू दिखाया जाएगा। भाई माहौल सेट है, तो अरे वो चल रहा है यार, शो चल रहा है भाई, तगड़ा व्यू है यार। कहाँ जाएंगे? अरे भाई हमें दर्शन देखने आते हैं, कोई हमें पत्थर फेंकते हैं, कोई मारते हैं, अब कहाँ जाएं हम लोग? अरे भाई रुको, अपन चलते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के ऊपर खुला जंगल है, वहीं चलो चलो, वहाँ चलकर अपनी खुशहाल जिंदगी दिखा लेंगे। चलो 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 खुशहाल जिंदगी, चलो। तो भाई लोग सज्जनगढ़ पहले से मैं जा रहा हूँ वापस होटल, वो लोग वहीं रुक गए थोड़ा फोटोग्राफी करने के लिए। मेरी बस है 8 बजे की, तो मैं निकल रहा हूँ और वहाँ से सामान उठा के थोड़ा खाना वाना खा के मैं निकल जाऊँगा। और अच्छी बात मैं बता देता हूँ आपको, उदयपुर में रैपिडो की सेवा भी उपलब्ध है, अगर आप लोकल घूमने जाते हो तो रैपिडो का यूज़ कर सकते हो। बढ़िया लगा, अगर आपको ऐप इंस्टॉल करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे सुवीरियर वगैरह और या फिर कुछ अमेजिंग ये स्टैचूस वगैरह लेने हैं तो आप इस दुकान में आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी आर्ट गैलरी है। सर क्या नाम है आपका? अशोक मेहता। अशोक मेहता जी आपका मिल जाएंगे, कुछ भाई पेंटिंग भी मिलता है, हैंडमेड मिनीचर पेंटिंग भी मिलता है, खुद बनाते हैं, सिखाते भी हैं। अच्छा, ये अगर किसको आना हो तो क्या एड्रेस रहेगा यहाँ का? गंगोर घाट। गंगोर घाट, तो आप जब भी आओ गंगोर घाट में दुकान शॉप का नाम क्या? अशोका आर्ट्स। अशोका आर्ट्स में आ जाओ, आपको बहुत अच्छा आर्ट गैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप शॉपिंग कर सकते हैं एकदम। तो गाइस अपन लोग निकल जाते हैं यहाँ से अब सीधे बस स्टैंड की ओर, बस का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। भाई लोग सीन ऐसा है कि बस छूट गई है, तो जो बस एक स्टैंड पर रुकती है वहाँ जा रहा हूँ रैपिडो वाले भैया के साथ, उन्होंने हेल्प कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। वहाँ पे चाय पानी के लिए रुकती है कहीं, यहाँ से थोड़ा सा 15-20 मिनट का रास्ता और है बता रहे हैं। अभी ड्राइवर से बात हुई है, टैक्सी वहाँ पे मिलती है नहीं मिलती है, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो फिर यहीं स्टे करना पड़ेगा भाई। तो भाई लोग बड़ी मुश्किल से भाग भाग के बस पकड़ी है, और रैपिडो वाले भैया ने बड़ी हेल्प करी यार, वो बाइक भगाई उन्होंने, ड्राइवर से बात करी और किसी एक चौराहे पर रोका, और मैंने जितने पैसे बोले उनको पैसे दिए और बस चढ़ गया। भाई क्या बताऊँ कैसे पकड़ी है, बस मैं ही जानता हूँ। तो यार मतलब क्या मज़ा ही आ गया, मतलब बस पर जो एडवेंचर हुआ ना आज बस पकड़ लिया, क्या ही बताऊँ। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को उदयपुर वाली सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना।